गुजरात से आए 650 रसोइये और 3500 सहयोगियों ने भोजन निर्माण एवं परोसने का काम संभाल रखा था। कुंभ यात्रियों को भोजन कराने का पुण्य लाभ सिर्फ गुजरात के लोगों ने ही नहीं कमाया, बल्कि कई राज्यों से लोग भंडारे चलाने के लिए दौड़े चले आए। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अन्न सेवा सबसे बड़ी सेवा है और इस सेवा का लाभ उठाना चाहिए। पढ़ना लिखना जीवन को, जीवन के व्यापन के लिए जरूरी है। धर्म हमारी संस्कृति के लिए जरूरी है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर आए हैं। कुंभ में आए सभी श्रद्धालुओं को थालियों में सम्मान के साथ भोजन कराया गया। इसके लिए 2.5 लाख थाली और 5 लाख कटोरियों की व्यवस्था की गई थी। इसके फलस्वरूप कुंभ परिसर साफ सुथरा बना रहा। कुंभ परिसर में उपयोग हुए जल से भी भूजल संवर्धन किया गया। लोगों के उत्साह का कोई जवाब नहीं था। अपना धर्म, अपनी संस्कृति और अपना देश, इस भावना का रंग हर किसी पर चढ़ा हुआ था। दिन ढला, सूरज ने विदा ली तो जल उठे हजारों विद्युत दीप। ऐसा दृश्य प्रस्तुत हो गया मानो ये स्थल स्वर्ग का कोई टुकड़ा हो। यहां तो दिन और रात का भेद ही मिट गया था। ना तो किसी के चेहरे पर थकान थी और ना ही आंखों में नींद। देश प्रेम और धार्मिक कार्यक्रम शुरू हुए तो देर रात तक लोग उसमें डूबे रहे। नर्मदा का पावन तट, लेकिन परिदृश्य प्रयाग के कुंभ जैसा। संत महात्मा ढोल धमाकों के साथ सामूहिक स्नान के लिए निकले तो आस्था ने आकाश छू लिया। हजारों संत महात्मा और अखाड़ों के प्रमुखों ने एक ही घाट पर एक साथ नर्मदा में डुबकी लगाई। नागा साधुओं ने भी अपनी परंपरा से हटकर लंगोटी लगाई और पुण्य सलीला में स्नान किया। साधु संतों की अलग अलग परंपरा इस घाट पर एक हो गई। देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पुण्य सलीला नर्मदा जहाँ से बहती है, वहाँ तो सुख समृद्धि अपने आप ही बिखर जाती है। माहिष्मती नगरी कहलाने वाले मंडला का अतीत भी समृद्धिशाली रहा है, लेकिन घने जंगलों में रहने वाले लोगों तक शिक्षा और विकास की रोशनी नहीं पहुँच पाई। इसी का लाभ उठाने षड्यंत्रकारी यहाँ पहुँच गए। ईसाई मिशनरियाँ सक्रिय हो गईं। वन क्षेत्रों में कई गिरजाघर बना दिए गए। वनवासियों को लालच देकर उनके धर्मांतरण की चालें चली जाने लगी। यहाँ तक कि वनवासियों में ये भ्रम फैला दिया गया कि वे हिंदू नहीं है। इस भ्रम को दूर करने के लिए ही जरूरी हो गया था मां नर्मदा सामाजिक कुंभ का आयोजन। भिन्न भिन्न जातियों को हिंदू समाज से काटने का जो प्रयास हो रहा है, उस प्रयास को सामने रखकर अपने हिंदू समाज को जोड़कर रखने की प्रक्रिया इस कुंभ के माध्यम से करने का हमने सोचा, और इसलिए इस कुंभ को अपने समाज को बचाए रखना, अपने समाज को सुरक्षित रखना और अपने समाज को गौरवान्वित लगे, इसलिए उसका
एक प्रकार का सम्मान बढ़ाने की दृष्टि से इस कुंभ का आयोजन हमने किया। धर्म सभा में ये बात भी गूंज उठी कि जब माँ कमजोर होती है तो संतानों से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। वक्त तो ये आ गया है कि माताएं बच्चों को लोरी सुनाएं कि तुम हिंदू हो, तुम तेजस्वी हो। अपने बच्चों को सुलाते समय तुम हिंदू हो, तुम तेजस्वी हिंदू हो, इस तेजस्वी हिंदू राष्ट्र के होनहार तुम्हें बनना है, ऐसा नहीं बता सकते है क्या? ये बताना इसके लिए अधिक प्रयत्न होना चाहिए। बाइबल के अंदर 13 साल की उम्र से लेकर के 30 साल की उम्र तक वो कहां थे इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। जीसस क्राइस्ट जो थे वो यहां पर भारतवर्ष में थे, तो उनके सारे उपदेश ये बौद्धों के उपदेश है। और इस नाते से आज हमको और ईसाइयों से कहना चाहिए, भैया अरे तुम तो बौद्ध हो, तुम तो जो है हमारा जो है हमारे देश की जो संस्कृति है, अरे उसी संस्कृति का तुम प्रचार कर रहे हो। परतंत्रता के समय में हमारी कमजोरी समझ में आती थी, लेकिन सवाल तो इस बात का है कि स्वतंत्रता के 62 सालों में भी हम क्यों नहीं बदले। वक्ताओं ने ये प्रश्न खड़ा किया कि उन कारणों को क्यों नहीं खोजा गया जो हमें लज्जित करते हैं। 62 वर्षों से भारत की बागडोर तो हमारे ही हाथ में है, फिर क्यों हम आत्महीन हुए, फिर हम क्यों भ्रष्ट हुए, फिर क्यों हमारी ही परंपरा के प्रति हम शर्मिंदा हुए, फिर क्यों अपने ही मुंह पे तमाचे मारना हमें अच्छा लगने लगा। कारण बहुत सारे होंगे माँ, लेकिन एक ही बात जानती हूँ कि जो संतानें अपनी माँ से मुख मोड़ लेती हैं वो कभी सुखी नहीं हो पाती, वो कभी धन्य नहीं हो पाती। धर्मांतरण ऐसा षड्यंत्र है जो भोले भाले लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को संकट में डाल सकता है। फिर प्रश्न तो ये भी है कि कोई भूखे पेट कैसे भजन करे। धर्म सभा में उन लोगों को गले लगाने पर जोर दिया गया जिनके पास 2 जून की रोटी भी नहीं है। अगर हमको समाज में समरसता स्थापित करनी है तो हमको उनको प्यार करना होगा, तो उनको हृदय से लगाना होगा, उनका सहयोग करना होगा, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। धर्म, समरसता और राष्ट्र प्रेम में डूबे कुंभ यात्रियों ने कुछ समय मनोरंजन के लिए भी निकाल लिया। किसी ने बाजार किया, किसी ने सर्कस देखा, तो किसी ने देखा मौत के कुएं का खेल। 3 दिनों का चले इस कुंभ में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां लोगों की भीड़ नहीं उमड़ी। दूर दूर से आए हुए हजारों साधु संन्यासियों का आशीर्वाद लेने जहां लोगों की कतारें लगी रहीं, वहीं भगवान राम के भ्रमण स्थलों की जानकारी देने वाली प्रदर्शनी के साथ अन्य प्रदर्शनियां भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। कुंभ के हर क्षण का आनंद ही अलग था। दिन में धर्म सभा और रात में रासलीला, भजन कीर्तन और राष्ट्र प्रेम के कार्यक्रमों की श्रृंखला। कुंभ यात्री तो किसी भी क्षण का आनंद लेने से पीछे नहीं रहे। गीतों के बोल पर थिरकने की ये कला भारत की विरासत है। अपनी इस कला के कई रंग वनवासियों ने बिखेर दिए मां नर्मदा सामाजिक कुंभ में। ईसाई मिशनरियों ने अपना जाल देश के अनेक राज्यों में फैला रखा है। उनके षड्यंत्रों को सफलता भी मिली, लेकिन वंशावली लेखकों के पास सबका हिसाब है। कुंभ में देश भर से आए वंशावली लेखकों ने सम्मेलन किया और उन लोगों की घर वापसी का संकल्प लिया जो अपना धर्म छोड़ गए हैं। जो लोग मतांतरित हो रहे हैं, जो अपने गौरवशाली पुरखों का भान नहीं कर पाते हैं और मतांतरित हो जाते हैं, उन्हें परावर्तित कराना और देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए ये समस्त वंश लेखक आज इस बात का इकट्ठे हुए हैं। धर्म सभा शुरू हुई तो फिर उठ खड़े हुए वही प्रश्न
ईसाई मिशनरियां अपने षड्यंत्रों में कैसे सफल हो गईं? भोले भाले वनवासी धर्मांतरण के कुचक्र में कैसे फंस गए? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने, केरल का हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में, हमारा संघर्ष जारी रहा, अपने निर्णय में कहा जो परंपरागत आस्था और विश्वास को मानता होगा वही आदिवासी होगा। हम वृक्षों को तो देवता मानते हैं, नदियों को माँ की तरह पूजते हैं, फिर अपने ही भाइयों से दूरी क्यों? हम प्राणी मात्रों में ईश्वर का रूप देखते हैं, हम भूमि को भी अपनी माँ मानते हैं, हम गंगा को भी अपनी माँ मानते हैं, नदियों को अपनी माँ मानते हैं। इस प्रकार की श्रेष्ठ विचारधारा को, चिंतन को लेकर चला हुआ यह समाज किसी कारण से आज विभाजित होता हुआ दिखाई देता है। धर्मांतरण के षड्यंत्र देश में सफल नहीं हो सकते थे, लेकिन ईसाई मिशनरियों ने सामाजिक कमजोरियों का लाभ उठाया। संत महात्मा तो ये मानते हैं कि जात पात का भेद करने वालों ने हिंदू धर्म को ठीक से समझा ही नहीं। जो इनको अछूत कहता है उसकी भाषा अछूत है, वो अछूत हो सकता है, ये बंधु अछूत नहीं। हम तो कहते हैं मारो मात्र, किसी भी मत को मानने वाले हों, सब पैदा होने की प्रक्रिया से हिंदू हैं, बाद में संस्कार होता है तो चाहे इस्लामिक हो जाएं, चाहे ईसाई हो जाएं। नर्मदा के पावन तट पर लगे इस सामाजिक कुंभ से अद्भुत ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। यही ऊर्जा ही अमृत है। इस अमृत की वर्षा यदि हर जगह हो जाए तो दुनिया को इंसानियत के मायने समझ आ जाएंगे। इस विशाल आयोजन के गवाह बने हर इंसान का दिल कह उठा कि बहुत समझ लिया, अब कुछ करने का समय आ गया है। और इस करने योग्य कर्म में हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कुन्ते युद्धाय कृत निश्चय। हमको निश्चय करना है कि इस अधर्म के विरुद्ध हमको युद्ध करने के लिए, हे अर्जुन अब खड़ा हो जा, अब बहुत सुन लिया हमने, अब हमको खड़ा हो जाना है। मां नर्मदा सामाजिक कुंभ अपने अंतिम समय में पहुंच रहा था तो इसके लाखों सहभागी इसके संदेश पर अमल करने का संकल्प ले रहे थे। लोगों ने धर्मांतरण को जहां देश विरोधी कार्य माना, वहीं हिंदुत्व को और सबल करने का संकल्प लिया। पवित्र तीर्थ लघु काशी के रूप में मान्यता प्राप्त मंडला में हो रहा मां नर्मदा सामाजिक कुंभ इस ईसाई सेनमारी का विरोध कर इसके लिए जन जागरण की घोषणा करता है। धार्मिक कुंभ तो देश में होते ही रहते हैं, लेकिन इस सामाजिक कुंभ ने हिंदू एकता का नया इतिहास लिखा है। इस परंपरा को जारी रखने के लिए शंकराचार्य श्री वासुदेवानंद जी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को कुंभ छड़ी सौंप दी। उन्होंने भी अपने राज्य में सामाजिक कुंभ कराने का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। मुझे एक बड़ा दायित्व सम्मानी जगतगुरु शंकराचार्य जी ने सौंपा है। मैं छत्तीसगढ़ की 2,10,00,000 जनता की ओर से ये भरोसा दिलाऊंगा कि आने वाला कुंभ आप सबके गरिमा के अनुरूप हो और बेहतर से बेहतर हम इस आयोजन को करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा और गरीबी ने कुछ लोगों को भटका तो दिया, लेकिन इस सामाजिक कुंभ ने उनकी भी आंखें खोल दी। जो भी यहाँ आया उसके दिल में ये बात बैठ गई कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। हमारे क्षेत्र में बहुत दिनों से धर्मांतरण किया जा रहा है और हम इस कुंभ में आने के बाद हमें उसे अनुभूति हो गई है कि अब हमें हिंदू धर्म को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे पुरातन धर्म जो है वो हमारे हिंदू धर्म है। और भविष्य में हम लोगों को भी यही जागरूक करेंगे कि हिंदू धर्म को ना बदलें, हिंदू धर्म से अच्छा धर्म दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं। कुंभ मेला में हम सम्मिलित हैं और हम हिंदू धर्म में अच्छा है और हिंदू धर्म हम नहीं छोड़ेंगे और हमेशा हिंदू धर्म में जुड़े रहेंगे, यही हमारा संकल्प है और अच्छा है। हर आयोजन का समय पहले ही तय हो जाता है। मां नर्मदा सामाजिक कुंभ में आए लोगों के दिल तो अभी भरे भी नहीं थे कि आ गई समापन की बेला। महाकुंभ के लिए फहराया गया ध्वज उतार लिया गया। वायुमंडल में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी तो लाखों आंखें आकाश पर टिक गईं। पूरे कुंभ स्थल पर शुरू हो गई फूलों की वर्षा।
मां नर्मदा सामाजिक कुंभ का समापन हो गया और ये ऐसे संदेश छोड़ गया जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस कुंभ ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को और दृढ़ कर दिया। हमारी रिश्तेदारी बड़ी प्राचीन है, उसको जो भूले हैं वो वास्तव में भूल गए, वो वास्तव में भटक गए। इसको याद करना और उस रिश्तेदारी को पुनर्प्रस्थापित करने के लिए, भारत माता के पुत्रों की बंधुता को पुनर्जागृत करने के लिए, आना जाना उठना बैठना जो मेरे पास है तुम उसके भागी बनो, जो तुम्हारे पास है उसका मैं भागी बनता हूं, क्योंकि दोनों के पास देने के लिए है, दोनों के पास लेने की आवश्यकता है। इस लेन देन को हम चालू करें, आज इसी क्षण इस संकल्प को करके कृति करना प्रारंभ करें। राष्ट्र के 35 प्रांतों, 329 जिलों और 1129 तहसीलों के 40,000 गांवों के 30 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु आए, साथ मिलकर भोजन किया, साथ साथ यज्ञ किया और पुण्य सलीला नर्मदा में डुबकी लगाई। सामाजिक समरसता का ऐसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा गया। कुंभ में आए लाखों श्रद्धालुओं की शिराओं में देश प्रेम की नई ऊर्जा भी दौड़ गई, जिससे निश्चय ही भारत की अखंडता और मजबूत हुई। इसके साथ ही ईसाई मिशनरियों तक ये संदेश भी पहुंच गया कि धर्मांतरण के षड्यंत्र बंद कर दें। हिंदू अब जाग गया है और धर्मांतरण की किसी चाल में नहीं फंस सकता। उसे गर्व है कि वह हिंदू है।